नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग कोरल ड्रॉ से, और यहाँ देख सकते हैं कृष्णा मोहन गौर जी ने कमेंट किया है कि कोरल ड्रॉ में राउंड में फ़ोटो के साइड में कलर कैसे करें। तो सबसे पहले कृष्णा मोहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया, और आप जानना चाहते हैं कि राउंड में फ़ोटो है उसके साइड में कलर आपको कैसे करना है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं कोरल ड्रॉ में राउंड में फ़ोटो के साइड में कलर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं मेरा कोरल ड्रॉ 11 खुला हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं एक फ़ोटो आपको देखिए, फ़ोटो के राउंड में देखिए, फ़ोटो के राउंड में है और ये कलर मैंने देखिए किया हुआ है, जैसा ड्रेस का कलर है सेम टू सेम ये कलर यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे किया हुआ है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आप किसी में भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं कोरल ड्रॉ 11 का यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो काम करना होगा, राउंड शेप में आपको फ़ोटो लाना होगा। तो राउंड शेप में फ़ोटो लाने के लिए तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे टूल बॉक्स में जाइए और यहाँ पे जो आपका इलिप्स टूल है इस पर क्लिक कीजिएगा और एक राउंड शेप हम लोग इस तरह एक बना लेते हैं। जैसे इसी में मुझे फ़ोटो लाना है, इसी के अंदर मुझे राउंड शेप में फ़ोटो लगाना है, उसके बाद उसे कलर करना है। तो राउंड शेप लेने के बाद अब रहा बारी फ़ोटो लाने का। तो फ़ोटो कैसे लेकर आते हैं कोरल ड्रॉ में, फाइल में जाते हैं, उसके बाद इम्पोर्ट में क्लिक करते हैं। करने के बाद इंपोर्ट का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है। अब जहाँ भी आपने फ़ोटो रखा है, जिस फोल्डर में भी रखा है, जिस ड्राइव में भी रखा है, सी डी ई जिस ड्राइव में भी रखा है, यहाँ से उस पर्टिकुलर ड्राइव में आप जा सकते हैं और फ़ोटो को लेकर आ सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक फ़ोल्डर है न्यू फ़ोटो, उसके अंदर बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, वहाँ से एक मैं सिंपल सा फ़ोटो ले लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये वाला फ़ोटो, यहाँ पे एक फ़ोटो है, यहाँ प्रीव्यू का बटन कीजिएगा तो दिखता है ये, जैसे क्लिक करेंगे फ़ोटो पे यहाँ प्रीव्यू दिखेगा कौन सा फ़ोटो आप ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये फ़ोटो ले लिया मैंने, अभी इंपोर्ट पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे अपने पेज में इस तरह मैंने ड्रैग कर दिया फ़ोटो को, देख सकते हैं एक फ़ोटो नॉर्मल सा फ़ोटो है। अब इसे इसी शेप में हमको पुट करना है, ये जो शेप आपको दिख रहा है इसी शेप में मुझे इस फ़ोटो को पुट करना है इसका, और इसके चारों तरफ कलर करना है। तो आपको करना क्या होगा, फ़ोटो को आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद इफ़ेक्ट्स में जाना है। जाने के बाद यहाँ एक ऑप्शन है पावर क्लिप, ये सभी कोरल ड्रॉ के सभी जितने भी वर्सन है सब में ये ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए पावर क्लिप प्लेस इनसाइड कंटेनर, याद रखिएगा फ़ोटो को पहले सिलेक्ट करना है, उसके बाद इफ़ेक्ट्स में जाना है, जाने के बाद पावर क्लिप में आना है, उसके बाद प्लेस इनसाइड कंटेनर पर क्लिक करना है। आपका देखिएगा माउस पॉइंटर जो है वो एरो नुमा हो जाएगा, मतलब जो माउस पॉइंटर है लगेगा उसके एरो आ गया। अब उसको ठीक ले जाकर ये जो लाइन आपको दिख रहा है सर्कल का, इस ठीक लाइन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे फ़ोटो क्या होगा, उस सर्कल के अंदर आ जाएगा, राउंड शेप में आपका फ़ोटो आ जाएगा। अब रहा सवाल इस फ़ोटो को, कभी कभी ऐसा होता है कि जो फ़ोटो आप लेकर आते हैं, हो सकता है फ़ोटो जो है वो आपका ठीक पर्टिकुलर देखिएगा राउंड शेप में नहीं फिट होता है, तो इसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, इसको करेक्शन कर सकते हैं। तो वो कैसे सही करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फ़ोटो को सिलेक्ट अवस्था में रखना है क्लिक करके, उसके बाद इफ़ेक्ट्स में जाना है, पावर क्लिप में आना है, उसके बाद यहाँ पर देखिए एडिट कॉन्टेंट्स है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, देखिए हल्का सा आपको यहाँ पर पतला सा आपको लाइन व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, तो आप इसको इस तरह फ़ोटो को इस तरह चाहो तब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह आपको फ़ोटो को जितना रखना है, जितना बड़ा करना है, आप इस तरह ड्रैग करके यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए आपको हल्का सा आपको वाइट कलर का यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए फ़ोटो से बाहर चला जा रहा है, देख सकते हैं। ये मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा और नीचे यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ। ये देखिए आपको जितना फ़ोटो रखना है इसको बड़ा करना है, फ़ोटो को बड़ा भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ चला गया, ये देखिए हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, इफेक्ट्स में जाइए, पावर क्लिप में जाइए, उसके बाद फिनिश एडिटिंग लेवल। अब देखिए राउंड शेप में देखिए मेरा फ़ोटो भी आ गया अच्छी तरह से, देखिए फिट हो गया। अब रहा सवाल इसको कलर करना है, इसके बाहरी इसको कलर करना है, तो आप चाहें तो ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है इसको थोड़ा थिक कर लेते हैं, जैसे ये मोटा टाइप का है कलर, तो इसको थोड़ा मोटा करने के लिए जब इस पर क्लिक करेंगे उसका ऊपर इसका प्रॉपर्टी बार यहाँ पर शो करेगा, यहाँ हेयर लाइन है, आउटलाइन विड्थ है, यहाँ पर सपोज इसको 16 कर देते हैं, देखिए मोटा सा देखिए यहाँ पर कलर आ गया ब्लैक कलर जो बाई डिफ़ॉल्ट रहता है। अगर आपको दूसरा कलर करना है इसके फोटो के चारों तरफ इस तरह दूसरा कलर करना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट रखिए, सिलेक्ट रखने के बाद राइट हैंड साइड देखिए कलर का पैलेट दिख रहा होगा,
अब यहाँ से आपको जो भी कलर चाहिए लेफ्ट क्लिक नहीं करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक कीजिएगा तो आउटलाइन का कलर हो गया, ये देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपको लगता है नहीं लाइन थोड़ा सा और मोटा होना चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, 16 के बाद 24 है। देखिए 24 में देखिए इसके बाहरी किनारे में देखिए कलर हो चुका है। कोई सा भी कलर ले सकते हैं, बस राइट क्लिक कर देना, माउस पॉइंटर ले जाना है और राइट क्लिक करना है। तो इस तरह आप कलर आप कर सकते हैं फ़ोटो के बाहरी किनारे पे, इस तरह कलर कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम लोग कोरल ड्रॉ के अंदर इस तरह से फ़ोटो के चारों तरफ इस तरह हम लोग राउंड शेप के अंदर इस तरह कलर करते हैं। और भी कुछ जानना चाहते हैं कोरल ड्रॉ से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।